उर्फी जावेद और बीजेपी पार्टी के बीच जो कंट्रोवर्सी है वो हमें खत्म होते नहीं दिख रहा। हाल ही में फिर से बीजेपी वर्सेस उर्फी जावेद के एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में मुद्दा क्या है। चित्रवाघ जो कि स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा की है, इन्होंने हाल ही में उर्फी जावेद के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट केस किया। रीजन वही है, उर्फी जावेद का जो ड्रेसिंग सेंस है उसके कारण इन्होंने उर्फी जावेद के अगेंस्ट जो केस फाइल किया, पुलिस के अगेंस्ट जो कंप्लेन किया, उसमें उन्होंने क्लियरली यही बताया उर्फी जावेद जिस तरह का ड्रेस पहनती है इससे भारत का जो समाज है उसे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगा, भारत का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी है ये पूरे देश में बहुत ज्यादा फैल गया और उर्फी जावेद जो कि हमेशा से अपने रिप्लाई देने के लिए जाना जाती है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे स्टोरीज लगाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा स्टोरी लगा के कि मैं जेल बिना ट्रायल के भी चल जाऊंगी, लेकिन मुझे बस ये जानना है आपके पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, इनके पास इतना सारा प्रॉपर्टी कैसे आता है। ये जो नेता है हमारे देश के, ये जो लोग हैं, ये अपने रिलेटिव्स के नाम पे, अपने भाई बेटा बंधु के नाम पे इतने इतने प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं, ये चीज हमारे देश में इलीगल नहीं है, ये इतने ज्यादा करप्शन करते हैं, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें बस वोट बैंक के लिए, वोट जीतने के लिए, महिलाओं से स्पेशली वोट लेने के लिए वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। इसको लेकर उर्फी जावेद बहुत स्ट्रिक्ट रिप्लाई दी। इसको लेकर दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें।